शान है, वो आशिक रसूल है क्या उनकी शान है, वो आशिक रसूल है क्या उनकी शान है, सिद्दीक का बयान है मेरी जबान है, सिद्दीक का बयान है मेरी जबान है, सिद्दीक का बयान है मेरी जबान है, वो आशिक रसूल है क्या उनकी शान है, वो आशिक रसूल है क्या उनकी शान है, वो आशिक रसूल है क्या उनकी शान है, सिद्दीक का बयान है मेरी जबान 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 है, सामईन इकराम, तारीख इस्लाम का ये बहुत ही अहम वाकया हजरत सिद्दीक अकबर और हुजूर ताजदार मदीना का मैं पेश कर रहा हूँ, लीजिए समाअत फरमाइए। परवाने को चराग की उल्फत पे नाज है, सिद्दीक को नबी की मोहब्बत पे नाज है, अल्लाह के हबीब के हर एक बयान पर सद्दकता या रसूल था उनकी जबान पर, अब जानते हैं आप बड़े जानिसार हैं, सुल्तान अंबिया के वही यार गार हैं, सौ दिल से शाहिदीन पे कुर्बान आप हैं, मर्दों में सबसे पहले मुसलमान आप हैं, उनसे खुदा भी राजी है क्या खुश नसीब हैं, वो प्यारे मुस्तफा से बहुत ही करीब है, जिस तरह प्यार होता है बुलबुल को फूल से, जिस तरह प्यार होता है बुलबुल को फूल से, जिस तरह प्यार होता है बुलबुल को फूल से, सिद्दीक को है ऐसी मोहब्बत रसूल से, मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बक्र सिद्दीक हैं, उनका एक वाकया मैं पेश कर रहा हूँ, लीजिए समाअत फरमाइएगा। तारीख में लिखा है ये हर खुश नसीब ने, फरमाया एक दिन ये खुदा के हबीब ने, दो मालो जर खुदा के लिए आज मोमिनो, हासिल होता के दीन की मेराज मोमिनो, ये मान लो खुदा की इनायत का दिन है, ये चाहत का बंदगी का इताअत का दिन है, ये राहे खुदा में देना भी मोमिन की शान है, बेशक हर अहले दीन का ये इम्तहान है, जो देना चाहे दे वो कमाई हलाल की, राहे खुदा में आज जरूरत है माल की, कुछ दे खरीद लो, क्या देखते हो मोमिनो जन्नत 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 खरीद लो।
हुजूर ताजदार मदीना फरमाते हैं, जो इस्लाम की राह में कुछ मालो जर देना चाहे वो दे दे, इसका बहुत बड़ा अजर सवाब है। ये सुनकर कौन क्या देता है सुनिएगा। वल्लाह दीनदारो सखावत यही तो है, अल्लाह और रसूल की खिदमत यही तो है, हर जुल्म के मिटाने की तदबीर है यही, हैया अलल फलाह की तफसीर है यही, राहे खुदा पे चलने में सबकी भलाई है, कुरान में ये बात खुदा ने बताई है, इस राह में खर्च करना मुकद्दर की बात है, गोया ये बात प्यारे पैगंबर की बात है, देगा जो थोड़ा माल भी इस्लाम के लिए, ऐसे अजीम ऐसे बड़े काम के लिए, जो नाम हक पे इस तरह दौलत लुटाएगा, जो नाम हक पे इस तरह दौलत लुटाएगा, जो नाम हक पे इस तरह दौलत लुटाएगा, वादा है ये नबी का वो जन्नत में जाएगा, वादा है ये नबी का वो जन्नत, इरशाद फरमाते हैं, जो इस्लाम की राह में खर्च करेगा मेरा वादा है कि वो जन्नत में जाएगा। लेकिन असहाब ने सुना जो बयां शाहे दीन का, था इतना पास उनको रसूले अमीन का, लाला के माल सबने दिया ढेर कर दिया, उस सरजमी को दौलत दुनिया से भर दिया, घोड़े दिए किसी ने किसी ने शुतर दिए, जंगो जदल के वास्ते थे वो तबर दिए, बख्तर भी और नेज़े भी तीरों कमान भी, बूढ़े भी ले के आए ये तोहफे जवान भी, जो बाग बाप फिदाई थे प्यारे हुजूर के, उन सब ने ला के रख दिए बोरे खजूर के, शम्मे हरम पे मिटने को परवाने आ गए, शम्मे हरम पे मिटने को परवाने आ गए, शम्मे हरम पे मिटने को परवाने आ गए, शम्मे हरम पे मिटने को परवाने आ गए। सहाबा इकराम ये बात सुनकर, कोई कुछ लाता है कोई कुछ लाता है, लेकिन हुजूर के पहलू में हजरत अली शेरे खुदा भी बैठे थे, वो क्या लाते हैं सुनिएगा। शेरे खुदा जो रखते न थे पास मालो जर, पहलुए मुस्तफा में थे उस वक्त जलवागर, रश के वफा थी फातह खैबर की जिंदगी, दुर्वेशी का नमूना थी हैदर की जिंदगी, सौ जान से वो हुस्ने नबी पर निसार थे, हर तरह मुस्तफा के इताअत गुजार थे, हैदर को इतना पास शहे अंबिया का था, जो कुछ था उनके पास रसूले खुदा का था, जाने अली थी शाहे रिसालत के वास्ते, जिंदा थे वो हुजूर की खिदमत के वास्ते, जो भी दिया था मौला ने ताजे
दे चुके थे पहले ही सब कुछ रसूल को, वो दे चुके थे पहले ही सब कुछ रसूल को, वो दे चुके थे पहले ही सब कुछ रसूल को, वो दे चुके थे पहले ही सब कुछ रसूल को। हजरात, जो कुछ परवरदिगार आलम ने हजरत मौला अली को अता किया था वो पहले ही हुजूर की खिदमत में पेश कर चुके थे, लेकिन उस्मा गनी जो सबसे ज्यादा अमीर थे, के सुए मुस्तफा के अजल से असीर थे, था ऐसा इश्क उनको मोहम्मद के नाम से, करते थे इतना प्यार वो शाहे अनाम से, हुक्मे नबी पे दे दिया इस दर जमाल जर, उस्मा पे जम के रह गई हर एक की नजर, वो खुश थे आज हक मोहब्बत अदा हुआ, इश्क़े नबी में फर्ज अकीदत अदा हुआ, देखा रसूल पाक ने भी उनको प्यार से, वाकिफ थे वो निगाहे शहे नामुदार से, महबूबे की बुरिया की इनायत पे झूम उठे, महबूबे की बुरिया की इनायत पे झूम उठे, महबूबे की बुरिया की इनायत पे झूम उठे, महबूबे की बुरिया की इनायत पे झूम उठे। हज़रत उस्मान गनी जो उस वक्त सबसे ज़्यादा अमीर थे, उन्होंने बहुत सारा मालो ज़र हुज़ूर की खिदमत में पेश किया, लेकिन उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या दिया सुनिएगा। फिर उसके बाद आए जो फारूक बासफ़ा, वो आदिले ज़माना वो आई नए वफ़ा, हज़रत उमर सहाबी ओ शैदा रसूल के, सच्चे वो अपने कौल के पक्के उसूल के, ले आए घर से इतना वो सामान माल जर, असहाब रश्क करने लगे उनको देख कर, लाकर जो माल आका के कदमों पे धर दिया, उस दिन उमर ने लोगों को हैरान कर दिया, फजले खुदा से वाकया ये आम हो गया, हजरत उमर का गोया बड़ा नाम हो गया, फारूक जिनकी शान है जिनका खिताब है, फारूक जिनकी शान है जिनका खिताब है, फारूक जिनकी शान है जिनका खिताब है, उनका ये कारनामा बड़ा लाजवाब है, उनका ये कारनामा बड़ा लाजवाब है, जब इतना माल उधर हजरत उमर फारूक आजम ने लाकर दिया तो हुजूर पूछते हैं, ए उमर, बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ा है कि नहीं, तो क्या कहा सुनिएगा। वाकिफ था हर सहाबी उमर के मकाम से, है किस कदर करीब वो शाहे अनाम से,
आखिर में आए हजरत सिद्दीक नामदार, सिद्दीक जो रसूल खुदा के हैं यार गार। सिद्दीक ने भी फर्ज मोहब्बत अदा किया, ला कर के माल नजर रसूल खुदा किया। सब लोग दे चुके जो ये तोहफे ये माल उजर, उस दम कहा उमर से नबी ने के ऐ उमर, जो कुछ दिया है तुमने वो सब कितना माल है, अहलो आयाल का भी तुम्हें कुछ ख्याल है। बोलो जवाब दो ये खामोशी की जा नहीं, बोलो जवाब दो ये खामोशी की जा नहीं, बोलो जवाब दो ये खामोशी की जा नहीं, कुछ अपने घर के वास्ते छोड़ा है या नहीं, कुछ अपने घर के वास्ते छोड़ा है या नहीं, कुछ अपने घर के वास्ते छोड़ा है या नहीं, कुछ अपने घर के वास्ते छोड़ा है या नहीं। सामईन इकराम, जब हुजूर ताजदार मदीना ये फरमाते हैं ऐ उमर अपने बाल बच्चों के लिए भी कुछ छोड़कर आए हो कि नहीं, ये सुनकर हजरत उमर फारूक मेरे आका से क्या कहते हैं लीजिए सुनिएगा। आका को उनके घर का भी कितना ख्याल था, इस वास्ते उमर से ये उनका सवाल था। बोले उमर ये सुन के मैं कुर्बान या रसूल, है आप मेरा दीन और ईमान या रसूल। इस्लाम जिसने बख्शा वो है जात आपकी, है जान से भी प्यारी हर एक बात आपकी। कुर्बान दो जहां के खजाने हैं आप पर, या साहिब अल जमाल वया सैयद अल बशर। जो कुछ था मेरे पास खुदा का दिया हुआ, प्यारे नबी का शाहे खुदा का दिया हुआ। उसमें से आधा रख लिया सब घर के वास्ते, उसमें से आधा रख लिया सब घर के वास्ते, उसमें से आधा रख लिया सब घर के वास्ते। लाया हूँ आधा माल पैगंबर के वास्ते, लाया हूँ आधा माल पैगंबर के वास्ते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर जितना माल अल्लाह ने मुझे दिया है उसमें से मैं आधा घर छोड़कर आया आधा लेकर आया हूँ। लेकिन ये बात जब बता चुके सरकार को उमर, डाली हुज़ूर ने रुखे सिद्दीक पर नजर। सिद्दीक से भी फिर किया आका ने ये सवाल, तुम अपने घर पे छोड़ के आए हो कितना माल। सिद्दीक बोले सदके दिलो जान या नबी, माँ बाप मेरे आप पे कुर्बान या नबी। ना मेरा सूल बस है मेरे घर के वास्ते, जो कुछ था लेके आ गया सरवर के वास्ते। सिद्दीक को ना माल नजर चाहिए नबी, बस आपके करम की नजर चाहिए नबी। सिद्दीक ने चुना है खुदा के रसूल को, सिद्दीक ने चुना है खुदा के रसूल को, सिद्दीक ने चुना है खुदा के रसूल को, सिद्दीक ने चुना है खुदा के रसूल को।
صدیق اکبر فرمانے لگے حضور میں اپنے گھر پر نام رسول چھوڑ کر آیا ہوں اور جو کچھ گھر میں تھا سب لے کر آیا ہوں یہ سن کر حضور مسکراتے ہیں لیکن آگے کیا ہوا سنیے کیا فیصلہ تھا ان کے دل خوش نصیب کا مقصد یہ تھا حبیب خدا کے حبیب کا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حضرات یہ ایک شعر جناب انور فرخوادی صاحب نے آخر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا اس واقعے کے اندر لکھا ہے لیکن اب یہ آخری دو تین شعر ملاحظہ فرمائیے کہنا ہے کیا واللہ کیا عظیم تھے یاران مصطفیٰ ہوتے ہیں ایسے دیکھیے خاصان مصطفیٰ صدیق ہوں عمر ہوں کہ عثمان یا علی شاہد ہے ان کے رتبے کا ہر پیر اور ولی صدقے میں شاہدی کے ملا ہے یہ مرتبہ انور بہت عظیم ہیں اصحاب مصطفیٰ جو شان ان کی کل تھی وہی شان آج ہے جو شان ان کی کل تھی وہی شان آج ہے جو شان ان کی کل تھی وہی شان آج ہے ان سب کے سر پہ عشق محمد کا تاج ہے ان سب